हाय गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ मटन करी। मटन करी बनाने के लिए आधा किलो गोश्त, दो टमाटर और दो आलू और चार मिर्च और मेथी और एक प्याज लेनी चाहिए। और कुकर स्टोव पर रखकर उसमें दो चम्मच तेल डालनी चाहिए। गरम होने पर लीजिए, उसके बाद प्याज डालकर उसको अच्छे से मिलाइए। और प्याज को अच्छे से मिलाना चाहिए। दो मिनट बाद फिर से उसको मिलाइए। और हरी मिर्च डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिलाइए। अच्छा लाल होने तक भूनिए। जितनी प्याज लाल होगी उतना अच्छा सालन में टेस्ट आएगा। और उसमें गोश्त डालिए और फिर से मिलाइए। ऐसे ही दो मिनट तक मिलाना चाहिए। दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच मिर्च, और एक चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डालकर उसे अच्छे से मिलाना चाहिए। हाई फ्लेम पर रखकर 2 मिनट अच्छे से भून लेना चाहिए। छोटी 1 गिलास पानी डालना चाहिए। आपको जितनी ग्रेवी है ना है उतना पानी डालिए। कुकर का ढक्कन लगा दीजिए, उसको हाई फ्लेम पे 4 सीटी होने तक रखिए। और स्टोव ऑफ करिए, कुकर खोलिए। देखिए कितने अच्छे से पका है, उसको अच्छे से मिलाइए। देखिए आलू कितना अच्छा गला है। अगर आपको ग्रेवी होना है तो उसमें पानी डालिए और स्टोव ऑन करिए। उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालिए, 2 मिनट तक उसको अच्छे से पकने दीजिए। और मटन करी रेडी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।